हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग ने हमारे PYQs कर लिए MSc CET के। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक जाएंगे और हमारे PYQs को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है ना, चलिए आइए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो है CET 2015 में पूछा गया है, और ये सवाल क्या है, कॉर्ड इज बंड अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस स्मॉल आर। The axis of the wheel is horizontal and moment of inertia about it is capital I. The weight mg is attached to the end of the cord and falls from rest. After falling through a distance h, the angular velocity of the wheel will be. सवाल समझाता हूँ, सवाल क्या है। व्हील बिल्कुल एक डिस्क के जैसा होता है, तो आपके पास जैसे एक डिस्क है और उसके अराउंड क्या कर दिया गया है, कॉर्ड। कॉर्ड मतलब, कॉर्ड का मतलब वायर होता है, तो एक वायर को बांध दिया गया है। ठीक है ना, ये वायर को बांध दिया गया है, और वायर को बांध करके क्या हो रहा है, ऐसे वायर यहाँ पर बंधा हुआ है, और वो वायर जो यहाँ पर बंधा हुआ है उसको आप समझिए कि वो वायर के बिल्कुल एक छोर पर, एक एंड पर m मास का ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है। तो ये m मास का ऑब्जेक्ट जो लगा है यहाँ पर, इस पर नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। समझ में आ गया, हम लोग जानते हैं। तो ये क्या लगने वाला है, इस पर एम मास के ऑब्जेक्ट पे क्या लगने वाला है, एम जी, इस पर यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है। और इसका जो रेडियस दिया गया है वो रेडियस है स्मॉल आर। क्या रेडियस दिया गया है, रेडियस दिया गया है स्मॉल आर। अब इसको समझिए, ये जो एम जी मास यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको क्या होगा, इसको मैं एक साइड ऐसे कर देता हूँ आपके आसानी के लिए, ऐसे इसको आप समझ लीजिए कि ऐसे बांधा और यहाँ पर एम जी लगा हुआ है। ठीक है, तो नीचे क्या लग रहा है, एम जी लगा है, तो एम जी क्या होगा, वो उसको फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स क्या करेगा, उसको नीचे खींचेगा। अब आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पर जो पूरे सिस्टम की एनर्जी है, अभी रुका हुआ है, स्टैचू है, तो रुका हुआ है, तो इस पर जो पूरे सिस्टम की एनर्जी है वो तो पोटेंशियल एनर्जी है। फिर क्या होगा, एम जी फोर्स लगने की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ आएगा तो ये कुछ ऐसे यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है ना, नीचे अब भी एम जी लग रहा होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक में कुछ हाइट कितनी ट्रैवल कर गया, एच हाइट ट्रैवल कर चुका है। समझ में आ गया, तो एच हाइट ट्रैवल करने में क्या होगा, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी उसके काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आ गया, किसकी काइनेटिक एनर्जी, व्हील रोटेट करेगा, ये तो यहाँ पर फिक्स है, तो व्हील रोटेट करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ये भी तो नीचे की तरफ आ रहा है। समझ आ गया, तो जो शुरुआत में पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाएगी व्हील की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि घूम रहा है, घूमने के लिए एनर्जी चाहिए, तो व्हील की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, और ये आपके ऑब्जेक्ट की लीनियर काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर जो आपका शुरुआत में एम जी एच है, जो शुरुआत में क्या है आपका एम जी एच, एच हाइट पे है, समझ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये मैंने आपसे कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक चीज़ मैं जानता हूँ कि वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है, ये मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं क्या लिखता हूँ, एम जी एच इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आप लोग जानते हैं ये व्हील यानी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम, ये हो जाएगा आर ओमेगा द होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, अब इसके बाद हो जाएगा एम जी एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे बताइए कॉमन क्या आ सकता है, हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, एम जी एच, हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आई प्लस क्या हो जाएगा बताइए, आई प्लस बचेगा आपका एम आर स्क्वायर, ये अपने पास बच जाएगा। क्लियर हो गया। अब अपने को क्या है, अपने को जो है बेसिकली निकालना क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कि जब ये एच हाइट तक यहाँ पर पहुँचेगा, यानी एच हाइट नीचे आ जाएगा, ये तो घूम रहा होगा, तो ये एच हाइट नीचे जब आएगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, वही मुझे निकालना है, और ये मुझे समझ में आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर को एक साइड पे रखेंगे, बचेगा क्या बताइए, बचेगा 2mgh डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, i प्लस एम आर स्क्वायर और द होल रेस टू हाफ, स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, तो ये अपने पास c ऑप्शन बनता है। देखिए 2mgh अपॉन i प्लस एम आर स्क्वायर, तो बन गया आपका c ऑप्शन। समझा, क्लियर होगा कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो दो काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। दो काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, एक व्हील की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों बन गया क्या, जो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी थी।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बारिश आ रही है, थोड़ी बहुत अगर आवाज़ आ रही होगी, वैसे इतनी नहीं आएगी, माइक लगाई है मैंने, तो थोड़ी बहुत अगर आवाज़ आ रही होगी तो माफ़ी चाहते हैं उसके, बारिश आ रही है काफ़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 जो है कि आई आई टी जेई में 2008 में आया था और सी ई टी में 2015 में पूछ लिया गया। ठीक है, अच्छा सवाल है। अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कॉन्स्टेंट रेडियस स्मॉल एम such that the centripetal acceleration is varying with time t, or as k square r t square where k is a constant, power delivered to the particle by the force acting on it. इसकी interesting story ये है कि जो हमारा बैच था उसके CET के मॉक टेस्ट में मैंने ये सवाल दे दिया था, क्योंकि IIT JEE में आया था, और वही सवाल जो मॉक टेस्ट में मैंने दिया था वो CET में उसी साल पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आइए इसके बारे में अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, और वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो स्मॉल एम मास का पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये है कि यहाँ पर जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है बच्चों, वो दे दिया गया है। क्या दिया है, के स्क्वेयर आर टी स्क्वेयर, ये आपका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन दिया गया है। ठीक है ना, आपको बोलता है के कॉन्स्टेंट है इसके अंदर, पावर डिलीवर्ड बाय द पार्टिकल बाय टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसमें जो फोर्स एक्ट हो रहा है उससे कितना पावर डिलीवर हो रहा है, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या है, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम क्या है, समझते हैं इसको। पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस पर एक तो लगता है सेंट्रिपेटल फोर्स, और ये जो आपका क्या है सर्कुलर मोशन है ये नॉन UCM है, क्योंकि वी स्क्वायर बाय आर बनेगा, और आर को वहाँ भेजेंगे आप तो वी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब वेलोसिटी ऑब्वियसली कांस्टेंट होती नहीं है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं है, टाइम पे डिपेंडेंट है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ आता तो ऐसे बता दूं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, तो के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, आर को वहाँ भेज दिया तो के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, तो वी क्या होगा, के आर टी, यानी स्पीड जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, और स्पीड अगर टाइम डिपेंडेंट है मतलब वो UCM नहीं है, अगर UCM नहीं है तो टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो नहीं है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहाँ पर जो है इसके पास सेंट्रिपेटल फोर्स भी है और कौन सा है, टेंजेंशियल फोर्स भी है। क्लियर हो गया, समझ में आता है। अब क्या पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला क्या है, तो पावर का फॉर्मूला होता है एफ बार डॉट वी बार। अब आप लोग एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर जो है अगर वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होती है, हम लोग जानते हैं ये सेंट्रिपेटल फोर्स ये है, तो सेंट्रिपेटल फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना है 90, तो अगर सेंट्रिपेटल फोर्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एफ वी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो सेंट्रिपेटल फोर्स से कोई भी पावर डिलीवर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग टेंजेंशियल फोर्स की बात करेंगे तो टेंजेंशियल फोर्स इधर है और वेलोसिटी भी इधर ही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, एफ टी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, यानी टेंजेंशियल फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये पावर डिलीवर आएगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर एक बात ये समझनी है कि पावर डिलीवर जो होगा वो किसके वजह से होगा, वो सेंट्रिपेटल फोर्स की वजह से नहीं होगा, वो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होगा, आपको रीज़न समझा दिया मैंने, क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे जो है सवाल ये है कि आपका जो टेंजेंशियल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला होगा m इंटू ए टी, यही तो फॉर्मूला होगा ना, m इंटू ए टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला बच्चों होता है dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसलिए कहता हूँ मेरे थ्योरी लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे सब कंसेप्चुअल सवाल में आप जो स्टेट के सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हो कभी हिला नहीं पाएंगे सवाल को, इसलिए मेरे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी डिटेल्ड होते हैं। ठीक है ना, चलो भाई तो ये हो गया। अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू मास इनटू वी डीवी बाय डीटी, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या होगा, डीवी बाय डीटी डेरिवेटिव ऑफ स्पीड यानी वी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1, उसका आंसर आएगा के। आई होप इतना आपको डेरिवेटिव निकालना आता है। मल्टीप्लाइड बाय वी का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू है के आर टी, ये बनेगा एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ये पावर डिलीवर का फॉर्मूला है, आंसर एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी इज ऑप्शन बी, समझा, क्लियर हो गया। ठीक है ना, देखो भाई मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मेरे पास प्रोजेक्टर है तो मैं उसी को यूज़ कर पाऊँगा। स्मार्ट बोर्ड मुझे जो पसंद है वो बहुत प्रीमियम वाला है, बहुत महंगा है, वो ले नहीं सकता हूँ मैं, इतने रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास, तो अभी जो है मेरे पास चीज़ मैं वो उससे आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको समझा दिया मैंने। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपेटल फोर्स क्यों नहीं आए। जितने फोर्स है उससे उतने अपन पावर डिलीवर निकाल सकते हैं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स से क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके बीच में फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 है, तो उसकी वजह से कोई पावर डिलीवर नहीं होगा। इसलिए थ्योरी लेक्चर्स देखना आपको काफ़ी ज़रूरी है, मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ। अभी जो 11th को मैं पढ़ाऊँगा वो तो मैं पूरा जेई का, नीट का, सीईटी का सब कवर करता हुआ पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आपके पास क्या है, एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास क्या है, इसका मास है कैपिटल एम। इसका मास क्या है, इसका मास है कैपिटल एम। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। इज रोटेटिंग विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एक आपके पास हॉलो स्फीयर है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इट सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग एंड 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। इसको सडनली स्टॉप कर दिया जाता है और 75% इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ स्फीयर, हॉलो स्फीयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ये बोल दिया गया। एस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल इन जूल पर किलोग्राम पर कैल्विन। और उसके बाद बोलता है देन राइज इन टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर इज, एस उसकी स्पेसिफिक हीट है, मतलब अगर उसके यूनिट मास को अगर अपन क्या करेंगे हीट करना चाहते हैं, एक केल्विन से उसको गर्म करना चाहते हैं, तो जो जे अमाउंट ऑफ हीट अपने को लगी, ये बोला है उसने। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत आसान है, ये रोटेट कर रहा था, अगर ये रोटेट कर रहा था उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होगा। अब इसका सिर्फ 75% है, 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर, इसका 75% मतलब क्या, 75/100 इज इक्वल्स टू हीट, मतलब क्यू का, क्यू बोलते हैं उसको हम लोग इन जनरल, क्यू से डिनोट करते हैं। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखो वैल्यू दिया गया है, कितना वैल्यू दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इस 2/3 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा आपका 25/3, 25/4, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एम एस डेल्टा टी। नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। एस क्या है उसमें स्पेसिफिक हीट जो यहाँ पर मैंशनड है, आपको यही निकालना है, डेल्टा टी निकालना है, राइजिंग टेम्परेचर क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम और एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4s हो जाएगा, ये डेल्टा टी का वैल्यू है। तो इतना आसान सा सवाल है ये, अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4s, ये आपका बी ऑप्शन बनेगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया, तो इस तरीके से इसको मैंने आपको समझा दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या हो गया, चलिए आइए 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन क्या कहता है, रिंग एंड अ डिस्क रोल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग विद सेम लीनियर वेलोसिटी। एक रिंग है और एक डिस्क है, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं विदाउट स्लिपिंग, दोनों की लीनियर वेलोसिटी सेम है, इक्वल दिया गया है। इफ बोथ हैव सेम मास, दोनों का मास भी सेम है, मास ऑफ द रिंग इज इक्वल्स टू मास ऑफ द डिस्क, ये भी बोल दिया गया है। तो एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग, रिंग की जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेट, ऑब्वियसली टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है ये, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग इज 4 जूल, क्योंकि रोल कर रहा है वह, रोलिंग में दोनों काइनेटिक एनर्जी होती है, रोटेशन भी और लीनियर भी, ट्रांसलेशन वाली भी, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आपको निकालनी है, KD आपको निकालना है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रोलिंग बॉडी का, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस k² / r², ठीक है। तो ये मास ऑफ द रिंग, वेलोसिटी ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है ना। मैं डिवाइड कर रहा हूँ सीधा सीधा, ये क्या हो जाएगा, अब मैं डिस्क के लिए लिख रहा हूँ हाफ एम डी वी डी का स्क्वायर 1 प्लस k d का स्क्वायर प्लस RD का स्क्वायर। तो एक बार अपन ने रिंग के लिए लिखा, एक बार डिस्क के लिए लिखा, अब वेलोसिटी इक्वल मास इक्वल, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा क्या, बचेगा ये। अब K और देखो समझो ज़रा, ऐसे अगर ये रोल करते हुए जा रहे हैं
तो इनका जो एक्सेस है वो कौन सा लेंगे, सेंट्रल एक्सेस लेंगे, रिंग होगा, डिस्क होगा। क्या फॉर्मूला है रिंग के लिए बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr2, और आई के लिए जनरल फार्मूला रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में क्या होगा, mk2 रह जाएगा mr2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो kr का स्क्वायर रेडियस ऑफ रिंग का स्क्वायर, तो बताइए क्या होगा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, कौन से केस में, रिंग के केस में, तो रिंग के केस में क्या होगा 1+1 होगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिस्क के केस में क्या होगा, डिस्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आईडी इक्वल्स टू क्या होता है mrd का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या लिख सकते हैं m into, ये हो जाएगा kd का स्क्वायर, mk2 होता है इन जनरल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, ये हो जाएगा mrd का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, m और m कैंसिल, तो kd का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा rd का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1+1/2। ठीक है ना, ये क्या दिया है काइंडिंग एनर्जी, ये दिया आपको 4/, ये आपको डिस्क का निकालना है, तो 4/kd कुछ बचा ही नहीं है, 1+1 कितना होगा 2, 1+1/2 विल बी 3/2। ठीक है ना, अब ये डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 क्या होगा 4, तो ये 4 कैंसिल, तो kd क्या आ जाएगा, kd आ जाएगा 3 जूल, ऑप्शन है, समझा, क्लियर हो गया, तो एकदम आसान है इसको सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, चलो भाई, तो फॉर्मूले पे ग्रिप है, थ्योरी आपको आती है, तो CET तो आपके बाएं हाथ में है, मैं बार बार कहता हूँ आपसे CET जो है पूरे इंडिया का सबसे ईजीएस्ट एग्जामिनेशन है, इसे बिल्कुल मत घबराइए, जो मैं लेक्चर्स आपको देता हूँ अगर आप ढंग से देख लें तो CET तो ऐसे ही निकल गया आपको, बस प्रैक्टिस करनी है, आप स्पीड बढ़ानी है, कंसेप्चुअली तो ऐसे ही CET निकल गया आपका। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2016 में जो आया है, डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड थिकनेस r/6 हैज़ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। एक डिस्क है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, एक डिस्क है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो डिस्क है अपने पास, उसके बाद क्या कहता है, इसकी थिकनेस भी दे दी गई है, थिकनेस कितनी दी है, थिकनेस दी है r/6, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है, वो है आई। ठीक है ना, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है ना, ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया हुआ है। डिस्क इज मेल्टेड, मेल्ट किया गया है इसको और सॉलिड स्फीयर बना दिया गया है इसको, अब क्या बन गया, ये बन गया सॉलिड स्फीयर, ये था क्या बच्चों, ये था डिस्क। ठीक है ना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज, तो इसके डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये आपको पूछा है, कैसे निकालेंगे आप इसको, तो इसको समझना पड़ेगा। हम ये वैसे ही है जैसे हम लोगों को नहीं करके आए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि वो छोटे छोटे ड्रॉप जो होते हैं उनको मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, या बड़ा ड्रॉप को छोटे ड्रॉप्स में बना दिया, तो एक बात आप लोग याद रखेंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जो जितनी वो जगह लेगा वो चेंज नहीं होगा, जो उसकी कैपेसिटी है वो चेंज नहीं होगी। तो एक चीज़ तो यहाँ पर तय है, वहाँ पर भी मैं आपको बता चुका हूँ ड्रॉप वाले केस में, तो वॉल्यूम ऑफ द डिस्क इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद एक और चीज़ है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन जानते हैं ना, सेंटर वाले एक्सेस यानी सेंट्रल एक्सेस के अबाउट क्या होता है डिस्क का, वो होता है mr2/2, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया, अब वॉल्यूम ऑफ द डिस्क देखना है और इसका रेडियस, इसको rd बोल देंगे और इसका रेडियस जो होगा उसको rs बोल देंगे, स्फीयर का रेडियस। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो भाई, तो अपन क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकालने का तरीका है एरिया इनटू थिकनेस, ऐसे तो निकालेंगे, और इधर पे तो स्फीयर बन गया, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, क्या फॉर्मूला होता है 4/3πr³, तो rs का होल क्यूब। ठीक है, क्लियर हो गया, तो इस तरीके से इसको निकालते हैं। अब जो है एरिया ऑफ द डिस्क क्या होगा, वो हो जाएगा πrd का स्क्वायर इनटू थिकनेस क्या है r/6। ठीक है ना, उसके बाद इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4/3π, और ये क्या होगा rs का क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ये rd है डिस्क। ठीक है, डिस्क का रेडियस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाए और पाए कैंसिल, और 3 1 3 2 4 2 कितना हो जाएगा 8, तो rd का क्यूब इज इक्वल्स टू 8 rs का क्यूब हो जाएगा, तो rd इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 rs हो जाएगा, ये तय हो गया, rd और rs में अपन ने रिलेशन निकाल लिया। अब क्या, अब जो है मैं एक चीज़ जानता हूँ कि जो स्फीयर होता है उसका डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² का स्क्वायर। ठीक है ना, 2/5 mr² होता है, ये आपको पता होना चाहिए ना, मैंने याद भी कराया है आप लोगों से, सिनॉप्सिस में भी बताया है मैंने,
इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 2/5, मास तो वही रहेगा, मास तो बदला नहीं इनका। आर एस मुझे मिली, आर एस क्या मिला, आर डी बाई 2 क्यों जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आर डी का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4, 2 1 जा 2 2 जा, बताइए क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास 1/5 इंटू 1/2 एम आर डी का स्क्वायर। 1/2 एम आर डी का स्क्वायर क्या होता है, वो तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो कि आई है, तो ये जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, आई, तो 1/5 इंटू आई, यानी आंसर आएगा आई बटे पाँच, ऑप्शन ए बनता है। समझा, क्लियर हो गया। सॉरी बहुत गर्मी है यहाँ पर, लाइट नहीं है इस वजह से एसी ऑन नहीं कर सकते। चलिए जो भी है, अब जो है 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 26 क्वेश्चन जवाब वो कराता हूँ मैं आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब, ये ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन बताने बोले थे बच्चे तो मैंने कहा कि ऐसे कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्टर पे शो कर देते हैं। चलिए जो भी, आइए तो अब क्या है अपने पास 26 क्वेश्चन क्या है, लेट m बी द, क्या कहता है ये, m बी द मास एंड l बी द लेंथ ऑफ द थिन यूनिफॉर्म रॉड। थिन यूनिफॉर्म रॉड का m क्या है, मास है, l क्या है, उसका लेंथ है। इन फर्स्ट केस एक्स ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ ऑफ द रॉड। इन सेकेंड केस एक्स ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन द फर्स्ट टू द सेकेंड केस। एकदम हलवा सवाल है, बच्चा सवाल है ये, कैसे करेंगे इसको। ये क्या कहता है आपको, एक रॉड आपके पास है और रॉड के सबसे पहले क्या करो, सेंटर से, सेंटर वाले एक्सेस से क्या करो उसको, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, आप लोग जानते हैं। और सेकेंड केस में क्या करते हैं, एक एंड से उसको घुमा लो, तो एक एंड से घुमाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों को क्या कर रहा है, फर्स्ट और सेकेंड केस में क्या करने बोला है, रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो निकालने बोला है। तो आई सी अपॉन आई करेंगे तो ये क्या है, ये आपके पास है एम एल स्क्वायर बाय 12 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 3। एम एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा 3/12। और ये क्या होगा, ये देखो, ये हो जाएगा एम के सी का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एम के ई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, 3 1 3 4 12, एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो के सी अपॉन के ई क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 1/2। समझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एम के स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटर वाला एंड वाला, इस तरीके से उसको सॉल्व किया अपन ने, और 1/2 आंसर आया जो कि ऑप्शन बी। समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको मैंने करा दिया। अब इसके बाद 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 27th क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है आपको, अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg/m² इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एट स्पीड ऑफ 60 rads/s। ड्यू टू फ्रिक्शन इट कम्स टू रेस्ट इन 5 minutes। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील 3 minutes बिफोर स्टॉप इट स्टॉप्स रोटेटिंग। मतलब क्या है, मतलब समझना पड़ेगा। एक व्हील है अपने पास, एक अपने पास चक्का है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया गया है 2 kg/m², ठीक है ना। और क्या कहता है, ये रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ये, ठीक है ना। कितनी स्पीड है इनिशियली, इनिशियल स्पीड है उसकी 60 rads/s, इतनी है। तो ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से अब क्या होता है, ये रेस्ट पर आता है, कितने टाइम में, फाइनल टाइम जो उसका बोला है, बोला है 5 मिनट में, ठीक है ना। द एंगुलर मोमेंट ऑफ द व्हील बिफोर थ्री ऑफ द व्हील 3 मिनट्स बिफोर इट स्टॉप्स रोटेटिंग। मतलब क्या, आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा है एट t इज इक्वल टू 2 मिनट्स, ये मतलब हुआ ना, रुका 5 मिनट में, तो उसके रुकने से 3 मिनट पहले, मतलब 2 मिनट के बाद उसका एंगुलर मोमेंटम क्या था। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आई ओमेगा, लेकिन आपको ओमेगा कब निकालना है, t इज इक्वल टू 2 मिनट में निकालना है, आई तो आपको दे दिया गया है। समझा, तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला है। अभी पूरा जो स्ट्रगल है वो आपका ओमेगा निकालने पे है, कि ओमेगा एट टी इज इक्वल टू 2 मिनट कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, इसको समझना पड़ेगा पहले, कि यहाँ पर क्या है, ओमेगा इनिशियल से कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है 0 angular velocity पे, है ना, रुक जाएगा ना वो, तो 5 मिनट पे वो रुक जाएगा, ये मुझे समझ में आता है, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगा सकता हूँ,
ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैं कब बात करता हूँ, इनिशियल से, ओमेगा इनिशियल से जब वो जीरो पे पहुँच गया मैं उसकी बात करता हूँ, उससे मुझे क्या मिलेगा, उससे मुझे अल्फ़ा मिलेगा, है ना, एंगल रिटार्डेशन मिल जाएगा उसका मुझे। तो फाइनल एंगल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल क्या है, इनिशियल है 60 रेडियन पर सेकेंड, प्लस अल्फ़ा कितना है बच्चों, अल्फ़ा उसका है, ये तो मुझे निकालना, और टाइम कितना है, कितने टाइम में रुक गया वो, 5 मिनट में, यानी 5 × 60, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 अल्फ़ा इंटू 60 इज इक्वल टू 60, तो 60 कैंसिल, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1/5 हो जाएगा, ये आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा वन माइनस 1/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपन क्या कर दिया, अल्फ़ा निकाल लिया। अब क्या करेंगे आप, अल्फ़ा अगर मिल गया तो फिर को आप कहीं भी निकाल सकते हैं, कोई भी इंस्टेंट पे। अब ओमेगा आप क्या करेंगे, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 मिनट पे निकालने की कोशिश करेंगे। इनिशियल क्या था वो आप लोग देख लीजिए, प्लस अल्फ़ा और ये टी। अब ये आपको निकालना है टी इज इक्वल टू 2 मिनट पे, कितना ओमेगा है, ओमेगा नॉट इनिशियल कितना है, 60 है, माइनस ये कितना है 1/5, है ना, अल्फ़ा क्या है, माइनस 1/5, टाइम कितना है, 3 मिनट पहले, मतलब 2 मिनट पे, तो टी इज इक्वल टू 2 मिनट्स पे, तो 2 × 60 मैंने कर दिया इसको, 5 1s, 5 1s, 5 2s, ठीक है, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा बताइए, 60 माइनस 12 2s कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 6 और वहाँ से 30, मतलब ये हो जाएगा 36 रेडियन पर सेकेंड, मतलब 2 मिनट के बाद जो आपके व्हील है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, एंगुलर स्पीड 36 रेडियन पर सेकेंड। अब वो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, वो तो है आई ओमेगा, ओमेगा आई कितना है, 2 बोला है, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा कितना मिला है, 36, यानी हो जाएगा 72 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है, समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं, आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 27 सवाल के लिए हम लोग ने अब तक, 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्वेंटी एट क्वेश्चन आपका कहता है कि भाई एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कितना है 2 किलोग्राम, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास कितना है 2 किलोग्राम, इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास आपको बोलता है 2 किलोग्राम है, वो रोल करता हुआ जा रहा है कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड से, तो रोल करता हुआ जा रहा है। अब आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी ये है, इट कोलाइड्स विद द फ्री एंड ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग हुज अदर एंड इज फिक्स। एक आइडियल स्प्रिंग के फ्री एंड से क्या करता है, ये कोलाइड करता है जिसका एक एंड क्या है, फिक्स है, ठीक है ना, तो अगर ये जाकर के कोलाइड करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, है ना, यहाँ अगर कोलाइड करता है ये जाकर के तो स्प्रिंग क्या होगी, फिर इसको कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, द मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग विल बी, बहुत आसान है, जिस स्प्रिंग कैसे कंप्रेस हो रही है, इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, समझे। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बताइए, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² × 1 + k² / r² क्यों, अरे रोल कर रहा था वो, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 kx² होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यूज करके उसने क्या कर दिया, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, तो वो एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, क्लियर हो गया। आइए, के का वैल्यू अपने को दे दिया गया है, फोर्स कांस्टेंट कितना बोला है, 36 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, तो 1/2 × मास कितना है बताइए, मास 2 किलोग्राम × वेलोसिटी कितनी है, 6 × 36, ये हो जाएगा 1 + k² / r². अभी ये स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर, अपने को डेल्टा यही निकालना, x का वैल्यू निकालना है, सॉलिड स्फीयर के लिए k² / r² क्या होगा, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल वाला एक्सिस के अबाउट अभी बताया था 2/5 mr², तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फिर, mk² m और m क्या हो गया कैंसिल, तो k² / r² क्या होगा, 2/5 होगा, ये हो जाएगा 1/2 × k का वैल्यू कितना है, 36, और यही कंप्रेशन तो अपने को निकालना है, 36 कैंसिल, 1/2 कैंसिल, ठीक है, बचेगा क्या बताइए, 2 × ये हो जाएगा 5 × 5 + 2 यानी 7/5 = x², तो ये कितना हो जाएगा 14/5, ये हो जाएगा x², मतलब x का वैल्यू क्या होगा, √14/5 अपने पास नहीं है कुछ भी, डिवाइड करो 5 1s, 5 2s, फिर कितना हो जाएगा 5 8s, एक्स इक्वल्स टू √2.8 मीटर, ये आंसर इसका, ठीक है ना, हाँ 5 1s, 5 2s, 10 करेक्ट है, हाँ 2.8 मीटर ये आंसर आएगा, ठीक है, √2.8 मीटर ये इसका आंसर है, क्लियर हो गया,
समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट सेशन में लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं इसके, नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आपको। ओके, थैंक यू।